राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा गजल संग्रह कहाँ चले आए का विमोचन किया गया। आगरा में राइटर एसोसिएशन द्वारा भरतदीप माथुर के गजल संग्रह कहाँ चले आए का लोकार्पण पश्चिमपुरी स्थित होटल वान्या पैलेस में किया गया। संग्रह की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर त्रिमोहन तरल ने कहा कि गजलोई की दुनिया में हिंदी गजल और उर्दू की गजल के नाम पर देश में दुर्भाग्यपूर्ण धड़ेबाजी की जा रही है। उन्होंने यहां दोनों जबानों की बराबर की अहमियत एक बानगी देखें, इल्मो अदब के चाहने वाले हिंदी वाले उर्दू वाले मुझे तुम दोनों अपना लो, हिंदी वालो उर्दू वालो इस बिरले को लू डूबेगी यूं आपस में खींचतानी, जैसे भी इसे बचा लो हिंदू वालो उर्दू वालो। अमीर अहमद जाफरी ने समीक्षा करते हुए कहा कि भरतदीप की शायरी में हमको अरजू की पाबंदी सफल जवान का लुफ्त असयार की गहराई साफ नजर आती है। अमन गुप्ता आगरा समाचार 24। दीप माथुर आज इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, क्या इसका उद्देश्य है, इस तरह की प्रेरणा युवाओं को मिली है? देखिए गज़ल जो है वो पहले रवायती जो गज़ल थी वो महबूब से गुफ्तगू की बात होती थी गज़ल के अंदर, लेकिन गज़ल ने बहुत सफ़र तय किया समय के साथ और अब सामाजिक मुद्दों को सामने लेके आ रही है आज की नई गज़ल। तो मेरी किताब में जदीदियत के साथ रवायती रंग भी आपको गज़ल की किताब में देखने को मिलेगा और समाज के लिए कुछ संदेश भी है, कुछ प्रेम की बात भी है, स्नेह की बातें भी हैं, तो बहुरंगी गज़लें इसमें आपको नज़र आएंगी मेरी किताब में। कहाँ चले हम, क्या मतलब किस तरह का ये किताब में? जी मेरी गज़ल का एक गज़ल की शीर्षक है ये गज़ल का, कहाँ की सोचती और हम कहाँ चले आए, शदीद गर्म है मौसम कहाँ चले आए। तो समाज पहले कहाँ था, अब उसका पतन होते हुए हम किस स्थिति में आ गए हैं, वो उसको हमारी क्या जो है उद्देश्य जाएगा इस किताब के आपके जरिए से? कि मैं समाज में थोड़ी सी जागृति ये लाना चाहता हूँ अपनी किताब के ज़रिए कि भाई हमारे जो उत्तरदायित्व हैं समाज के प्रति, तो अगर हम कविता के ज़रिए वो बात बता दें तो लोगों के दिमाग तक ज़्यादा पहुँचती है, लोगों के हृदय में जगह बनाती है। कविता के ज़रिए अगर हम गंभीर बात लोगों के सामने परोसें तो यही उद्देश्य मेरा। विशेष अतिथि हूँ आज, ये आज पुस्तक का विमोचन हो रहा है, कहाँ चली आई, क्या कहना है इस पर? ये भाई भरतदीप माथुर का पहला गज़ल संग्रह है और जहाँ तक भाई भरत की गज़ल का मामला है, बड़ा कम उम्र में परिपक्व शायर हैं और उन्होंने मेहनत की है। और मैं नई पीढ़ी के लोगों से कहता भी रहता हूँ कि जल्दबाजी न करें, पहले अपने हुनर को तराशें, परिपक्व करें, मजबूत करें और फिर लेखन करें, उसके बाद किताब को लाएँ। तो भरत भाई ने उस बात पर तवज्जो दी है उसको और उन्होंने अपने को तराशा है, काफ़ी अच्छे शायर हो गए हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो उसी उन्हीं की शायरी की ये शेरी मजमुआ है जिसे हम लोग गज़ल संग्रह कहते हैं हिंदी में, उसका आज विमोचन समारोह है। निश्चित रूप से देखिए जब अच्छा काम होता है और वो मंजर आम पर आता है, लोगों के नॉलेज में आता है, देखते हैं वो करते हुए और उसको पढ़ते हुए और फिर किताब जो पढ़ेंगे देखेंगे तो वो प्रेरित होंगे, निश्चित प्रेरित होंगे, क्योंकि अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी किताब छपी है जी। से क्या किस तरह का देश जा रहे हैं नए लोगों से? हाँ मैं कह चुका हूँ ना, मैं नए लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस फील्ड में आना है, गज़ल गोई के फील्ड में गज़लकार होना है, तो आप हुनर को सीखिए, सीनियर्स में बैठिए, जो जानकार हैं उनके पास बैठें, उठें, किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, उसके बाद लेखन में उतरें और थोड़ा वक्त लगा के किताब लाएँ, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। ठीक है।